नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनसुनवाई बंद होने के बाद भी एसपी कार्यालय पहुंच रहे आवेदक एसपी कार्यालय में दे रहे हैं शिकायतें। 6 महीनों से परिवार नियोजन की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं में आक्रोश, जिला चिकित्सालय में विरोध प्रदर्शन कर आशा कार्यकर्ताओं ने भुगतान जल्द कराने की मांग की। भले ही अभी मतगणना होना बाकी है, लेकिन नगर निगम मुख्यालय में नए महापौर के स्वागत की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। महापौर कार्यालय को व्यवस्थित किया जा रहा है और उसके रंग रोगन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आर के गुप्ता ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ महापौर कार्यालय का निरीक्षण कर सुधार कार्य का आदेश दिया। महापौर कक्ष में रंग रोगन कराए जाने तैयारी है। नगर निगम चुनाव की मतगणना होना बाकी है, लेकिन नए महापौर के आगमन को लेकर मुख्यालय में तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये बटन हटा दीजिए, ये सब साफ करवाओ। बंद है बीच वाली, हाँ बता दे वाली। पूर्व महापौर डॉक्टर स्वाति गोडबोले का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस कक्ष पर संभागीय कमिश्नर बी चंद्रशेखर की नेम प्लेट लगी हुई है। बतौर नगर निगम प्रशासक बी चंद्रशेखर इस कक्ष में एक दो बार बैठे भी, लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों से ये कक्ष सूना ही रहा। अब इस कक्ष की रौनक वापस लौटने लगी है। संस्कारधानी के प्रमुख धार्मिक स्थल गुप्तेश्वर धाम से शिव भक्तों का एक जत्था बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। क्षेत्रीय लोगों ने धूमधाम से शिव भक्तों को विदा किया और उनकी खुशहाल यात्रा के लिए दुआएं की। पूरा क्षेत्र बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रहा। स्वयं सिद्ध पीठ गुप्तेश्वर धाम से शिव भक्तों का एक जत्था झारखंड के बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 100 से ज्यादा पुरुष और करीब 50 महिलाएं शामिल रहीं। शिव भक्तों ने बताया कि ये जत्था पहले बनारस जाएगा, उसके बाद सुल्तानपुर से 150 किलोमीटर की पदयात्रा करके बैजनाथ धाम पहुंचेगा। आज यहां गुप्तेश्वर महादेव की महानगरी से करीब 110 पुरुष और 50 से 60 महिलाएं जो कि यहां से झारखंड के लिए रवाना हो रहे हैं। भोलेनाथ बाबा धाम का जहां धाम है, यहां से बनारस जाएंगे, बनारस से सुल्तानगंज, सुल्तानगंज से 150 किलोमीटर इनकी पदयात्रा रहेगी, जो वहां से जल लेके और पदयात्रा करेंगे और बाबा धाम तक पहुंचेंगे। इनके स्वास्थ्य के लिए पूरी सरकार लगी हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या झारखंड सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, इनकी सुरक्षा, इनके खाने पीने रहने का ध्यान देते हुए ये कांवड़िया वहाँ तक पहुँचेंगे, जल चढ़ाएंगे, इनकी 1 हफ्ते बाद वापसी होगी। आज इनकी विदाई के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वापसी में भी इनका सम्मान करेंगे यहाँ पे। शिव भक्तों ने बताया कि देश और दुनिया के कल्याण की कामना लेकर बैजनाथ धाम जा रहा ये दल जब वापस लौटेगा तो इस दल के प्रत्येक सदस्य का सम्मान किया जाएगा। क्रिकेट के सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले फरार सटोरिए दिलीप खत्री और उसके भाई संजय खत्री की लग्जरी ऑडी कार में शराब की तस्करी की जा रही थी। ओमती पुलिस ने कार से 300 पाव देशी शराब जब्त की है। पुलिस ने कार से फरार सटोरिए दिलीप खत्री और उसके भाई संजय खत्री के ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में दिलीप और संजय के कहने पर कार से अवैध शराब की तस्करी करने की बात कबूल की है। क्रिकेट के सट्टे का अवैध कारोबार करने वाले फरार सटोरिए दिलीप खत्री और उसके भाई संजय खत्री की लग्जरी कार से ओमती पुलिस ने भारी मात्रा में देशी शराब जब्त की है। इस मामले में कार चालक सेठी नगर गोरखपुर निवासी विवेक गौतेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ पर विवेक ने बताया कि वो फरार सटोरिए दिलीप खत्री और उसके भाई संजय का ड्राइवर है और उनके कहने पर ऑडी कार से अवैध शराब का परिवहन कर रहा था। कार संजय खत्री की पत्नी के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस ने कार में मिली शराब और कार को जब्त करते हुए कार चालक विवेक गौतेल सहित दिलीप खत्री और संजय खत्री पर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) का प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। अवैध मात्रा में शराब जब्त की है, हमने इसमें एक्साइज एक्ट का मामला कायम किया है और ऑडी कार और उसके चालक विवेक गौतेल को हमने गिरफ्तार किया है। प्रकरण हमारा विवेचना में है और हमने धारा 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की है। प्रकरण की हम विवेचना कर रहे हैं। अच्छा सर, आप कौन सी चीज़ लगभग कितनी मात्रा में थी?
देसी शराब थी जो लगभग 7 पेटी से ज्यादा शराब थी। पुलिस कर्मी से मोबाइल और वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन लूटने वाले शातिर लुटेरे और उसके एक साथी को क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने सोने की चेन, 7 मोबाइल और लूट की वारदात में उपयोग की जा रही चोरी की बिना नंबर की जुपिटर गाड़ी भी जब्त की है। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नरसिंह मंदिर मदन महल के पास रहने वाले एक शातिर लुटेरे अड्डू उर्फ अल्तमस और उसके एक साथी बाबा टोला हनुमान ताल निवासी असलम अंसारी को गिरफ्तार किया है। अड्डू उर्फ अल्तमस ने हाल ही में महानद्दा में एक 72 वर्षीय वृद्ध महिला के गले से सोने की चैन लूट ली थी। उसके बाद कटंगा क्षेत्र में एक पुलिस आरक्षक सतीश कौशल का मोबाइल लूट लिया था। एक ही दिन में हुई लूट की इन दो वारदातों के घटित होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर संदेही अड्डू उर्फ अल्तमस और उसके साथी असलम अंसारी को गिरफ्तार किया, जिनसे सोने की चैन, छीने हुए 7 मोबाइल और वारदात में उपयोग की गई चोरी की हुई बिना नंबर की जुपिटर गाड़ी जब्त की है। एडिशनल SP क्राइम समर वर्मा और एडिशनल SP संजय अग्रवाल ने बताया कि अड्डू उर्फ अल्तमस शातिर लुटेरा है। उसके विरुद्ध पूर्व से भी लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के लगभग 8 मामले पंजीबद्ध हैं। हाल ही में वो जेल से छूटकर आया था और लूट की वारदातें घटित कर रहा था। CCTV फुटेज और बाकी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो आरोपी है इसको राउंड अप किया था और पूछताछ में फिर इससे ना केवल अभी रिसेंट घटनाओं के 2 मोबाइल और चेन मिली बल्कि 5 और मोबाइल जो इसने पिछले 10 दिनों से छीने थे ये सब रिकवर किए हैं। और ये जो मोबाइल फ़ोन है अब इनके जो संबंधित अपराध हैं उनके बारे में पता करके और इसमें भी कार्रवाई आगे की जाएगी। ये सारे मोबाइल फ़ोन इसने एक असलम अंसारी जो इसकी एक छोटी सी दुकान है मोबाइल खरीदने बेचने की वहाँ पर इसको दे दिए थे, तो इसको भी सह आरोपी असलम अंसारी को इन मामलों में बनाया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। गौरीघाट थाने से चंद कदम की दूरी पर दिन दहाड़े एक नाभिक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या की इस वारदात को 4 लोगों ने अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने फरार हुए आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नरसिंह मंदिर मदन महल के पास रहने वाले एक शातिर लुटेरे अड्डू उर्फ अल्तमस और उसके एक साथी बाबा टोला हनुमान ताल निवासी असलम अंसारी को गिरफ्तार किया है। अड्डू उर्फ अल्तमस ने हाल ही में महानद्दा में एक 72 वर्षीय वृद्ध महिला के गले से सोने की चैन लूट ली थी। उसके बाद कटंगा क्षेत्र में एक पुलिस आरक्षक सतीश कौशल का मोबाइल लूट लिया था। एक ही दिन में हुई लूट की इन दो वारदातों के घटित होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर संदेही अड्डू उर्फ अल्तमस और उसके साथी असलम अंसारी को गिरफ्तार किया, जिनसे सोने की चैन, छीने हुए 7 मोबाइल और वारदात में उपयोग की गई चोरी की हुई बिना नंबर की जुपिटर गाड़ी जब्त की है। एडिशनल SP क्राइम समर वर्मा और एडिशनल SP संजय अग्रवाल ने बताया कि अड्डू उर्फ अल्तमस शातिर लुटेरा है। उसके विरुद्ध पूर्व से भी लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के लगभग 8 मामले पंजीबद्ध हैं। हाल ही में वो जेल से छूटकर आया था और लूट की वारदातें घटित कर रहा था। CCTV फुटेज और बाकी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो आरोपी है इसको राउंड अप किया था और पूछताछ में फिर इससे ना केवल अभी रिसेंट घटनाओं के 2 मोबाइल और चेन मिली बल्कि 5 और मोबाइल जो इसने पिछले 10 दिनों से छीने थे ये सब रिकवर किए हैं। और ये जो मोबाइल फ़ोन है अब इनके जो संबंधित अपराध हैं उनके बारे में पता करके और इसमें भी कार्रवाई आगे की जाएगी। ये सारे मोबाइल फ़ोन इसने एक असलम अंसारी जो इसकी एक छोटी सी दुकान है मोबाइल खरीदने बेचने की वहाँ पर इसको दे दिए थे, तो इसको भी सह आरोपी असलम अंसारी को इन मामलों में बनाया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। विजयनगर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन परोहा बिल्डिंग में 2 मजदूरों की संदिग्ध हालातों में हुई मौत के मामले की जांच करने एडिशनल SP और थाने की टीम घटनास्थल पहुंची।
पुलिस के मुताबिक निर्माणाधीन बिल्डिंग में पिछले माह एक मजदूर घायल हालत में मृत मिला था। इसके पूर्व 2019 में भी बिल्डिंग में एक महिला मजदूर का शव बरामद किया गया था। दोनों ही मामलों में घटना के कारणों का पता लगाने पुलिस टीम द्वारा मौके और घटनास्थल का पुनः निरीक्षण किया गया है। विजयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन परोहा बिल्डिंग में दो मजदूरों की संदिग्ध हालातों में हुई मौत के मामले की जांच पुलिस विभाग ने तेज कर दी है। मंगलवार को एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल और विजयनगर थाने की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि पिछले माह परोहा बिल्डिंग में एक मजदूर का शव मिला था। इसके पूर्व वर्ष 2019 में भी निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक महिला मजदूर की संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी। दोनों ही मामलों की सच्चाई का पता लगाने पुलिस घटनास्थल का अवलोकन कर रही है ताकि अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पिछले महीने की जून 20 में एक लेबर की और डेथ हुई थी, तो यहाँ पर निर्माण कार्यों में दो मजदूरों की मृत्यु हुई है, तो इनमें क्या किसी की लापरवाही से, क्रिमिनल नेग्लिजेंस से उस मजदूर की मृत्यु हुई है? जिस व्यक्ति की जो जिम्मेदारी थी उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं की है, उसकी क्या क्रिमिनल लायबिलिटी थी? इन सब चीज़ों की जांच करने के लिए मैं पुलिस थाना विजयनगर के थाना प्रभारी और उनके विवेचकों के साथ यहाँ मौका मुआयना करने आया था। इन दोनों ही मामलों में थाना विजयनगर में मर्ग कायम किए गए हैं। जिले में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के मिलने की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी 175 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में जबलपुर में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई 175 कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट में कोरोना से संक्रमित 15 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 11 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 84 हो गई है। कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।